नमस्कार फ्रेंड्स, फिर से एक बार आप सभी लोगों का नेवर गिव अप एकेडमी में स्वागत है और मैं हूँ काव्यश कारेल्या। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के बारे में और साथ में जानेंगे कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी क्या है, उसको बनाने के पीछे क्या मायने रखते हैं और वो कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिसकी याद में बनाया है। एंड फ्रेंड्स, आप सभी लोग मुझे काव्यश किशोर भाई कारेल्या के नाम से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि जैसे सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ भी सकते हो, जहाँ पे मैं नियमित रूप से ऐसे ही यूजफुल वीडियो को पोस्ट करता हूँ जो आप सभी को यूजफुल होगा, ऐसे मैं आशा भी रखता हूँ। अब हम बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के बारे में। आप सभी को पता ही होगा कि 5 फरवरी के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का लोकार्पण हुआ। जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है वो तेलंगाना हैदराबाद में बनाई गई है और वो जिसकी बनाई है वो 11th century के भक्ति मूवमेंट के काफ़ी बड़े संत संत रामानुजाचार्य के योगदान के पीछे उसको काफ़ी बड़ा बताने के लिए उसकी याद में बनाई गई है। जो हमारे देश में भक्ति आंदोलन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 7th century में, उसने हमारी आज़ादी में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में रिवोल्यूशनरी वर्क किया था। और ये जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है वो वर्ल्ड का 2nd largest सिटिंग स्टैच्यू है। कई आर्टिकलों में लिखा है कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैच्यू 2nd largest स्टैच्यू है, किंतु ये सिटिंग स्टैच्यू है और उसकी हाइट करीब करीब 216 feet है। और इस स्टैच्यू के लोकार्पण से हमारी यहाँ एक और स्टैच्यू बन गया, जिस तरह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल का था, इसी तरह वे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी संत रामानुजाचार्य का बन चुका है। तो जो संत रामानुजाचार्य थे वो 11th century के काफ़ी बड़े संत थे। उसने जो हमारे यहाँ जातिवाद छुआछूत की प्रथा है उसको एबोलिश करने में काफ़ी बड़ा योगदान किया। आज के इस मॉडर्न युग में भी अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री में भी हम छुआछूत देखते हैं और इसके नाम पे बड़ी मात्रा में दंगे हो जाते हैं और वो न्यूज पेपर के द्वारा सामने आता। तो आज से लगभग 1000 साल पहले संत रामानुजाचार्य ने ऐसा सोचा था कि सभी को इक्वालिटी से रहना चाहिए। वसुदेव कुटुंबम का कॉन्सेप्ट उसने दिया था। छुआछूत जातिवाद है, जो जाति प्रथा है उसको दूर करना चाहिए, किंतु और ये बोलते नहीं थे वो। उसने अपने जीवन में चरितार्थ भी किए थे। उस समय के बड़े बड़े राजा महाराजा थे वो भी इस संत की आज्ञा को मानते थे और समाज में जो ये दूषण है उसको दूर करने को एबोलिश करने की पूरे प्रयत्न करते थे। और इसके मान में आज 21वीं सदी में उसको करीब करीब 1000 साल हो गया और उसको याद करने के लिए उसके मान में ये स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का लोकार्पण हुआ है। आप सभी को ये वो प्रश्न भी होगा कि ये स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है, उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में धन खर्च हुआ होगा। जी हाँ मित्रों, उसमें करीब करीब 1000 से भी ज़्यादा रुपये 1000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपये का लागत लगी है। बाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी खड़ा हुआ। तो इस आपको ऐसा भी होगा कि क्या ये गवर्नमेंट ने बनाया? नहीं, ये गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। जो ये संत रामानुजाचार्य है उसके जो भक्तगण है उसने 2017 से अब तक जो डोनेशन दिया था उसमें से इस स्टैच्यू का निर्माण हुआ। तो कई सारे जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं जिसको किसी ना किसी बात में अपना तर्क देने का बढ़िया शौक होता है, वो बोलते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में पैसे का खर्च कर स्टैच्यू बनाया वो गलत बात है। इतने पैसे को दूसरी जगह में यूज़ किया होगा तो हमारी कंट्री में वो हो जाता। किंतु फ्रेंड्स, ये जो स्टैच्यू बन रहे हैं, इससे पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई थी, तभी भी मैंने अपने वीडियो में कहा था ये हमारी एक धरोहर बनने जा रहा है। आज से आप सोचिए 1000 साल बाद जब यहाँ के को इंडिया के लोग फॉरेनर इंडिया में आएंगे तो सोचेंगे ओ ये सरदार पटेल का स्टैच्यू है, तो उसके जीवन में इसके जीवन में से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। इसी तरह जो संत रामानुजाचार्य है जिसने भारत में जो भक्ति मूवमेंट हुआ था उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में योगदान दिया था,
तो उसको याद करेंगे कि इंडिया में ऐसे बड़े संत हो गए, उसने जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, जाति प्रथा होती है, जो जाति के आधार पर हम किसी को अन्याय करते हैं उसको मिटाने में काफ़ी बड़ी मात्रा में योगदान दिया था, उसको इस तरह याद कर सकते हैं और ये हमारी एक वैश्विक धरोहर बन सकती है जो फ्यूचर में इंडिया को ही पूरे ग्लोब पर फलित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। इस तरह का जो स्टैच्यू बनता है वो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। और वो जो संत रामानुजाचार्य है उसने अपने जीवन में इस बात को चरितार्थ भी किया था और वो करीब करीब पूरे अपने जीवन काल में 120 साल से भी ज़्यादा इस भूमि पर चले और उसके मान में दूसरे कॉम्प्लेक्स में 120 केजी का गोल्डन स्टैच्यू भी बनाया गया है जिसका लोकार्पण 13 फरवरी के दिन जो हमारे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ जी कोविंद के द्वारा होगा। और इस तरह अपने भक्तों में अभी तक संत रामानुजाचार्य का जो भाव है वो प्रकाशित होता है और उसके भक्त संत मीराबाई, संत कबीर जिसकी भी बड़ी मात्रा में फ्रेंड्स फॉलोअर है वो भी उसको काफ़ी बड़ी मात्रा में मानते हैं। और साउथ के जो लोग हैं वो काफ़ी खुश हुए हैं कि संत रामानुजाचार्य को उसके जो योग्यता थी इसके प्रमाण में काफ़ी बड़ा स्टैच्यू बनाकर उसका खरे अर्थ में उसको चरितार्थ किया है और उसका सम्मान किया है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।